ना ही पानी, ना ही दूध, ना ही व्हिप क्रीम, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और बड़े मज़े की ये आइसक्रीम बनती है, और यकीन नहीं बड़े मज़े के, बड़ी यम्मी लगते हैं। तो चलो आज बना लेते हैं। तो बस ये दो आम थे जिसे मैंने ना छोटे छोटे कट करके फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये फ्रोज़न हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्रोज़न हो गए हैं। तो बस अभी फ्रोज़न हो गए, इसे मैं निकाल ले रही हूँ एंड देन मिक्सर ग्राइंडर में डालती हूँ। और इसे छोटे छोटे पीस कर देना, नहीं तो ना ये देखिए ग्राइंडर से भर, तो मैं आपको छोटे छोटे कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस ये ऐसे मैं चम्मच से तोड़ तोड़ के इसे छोटे कर लिए एंड देन अब इसमें हम कुछ डालेंगे। जैसे कि मैं इसमें हनी डाल रही हूँ, अराउंड 2 टेबल स्पून की इतना हनी डाल दूँगी। और ये मैंने बड़े मज़े के, और हेल्थी भी रहते हैं, ना इसमें पानी ना कुछ, बस ये ठंडक रहता है और आइसक्रीम फ्लेवर भी आ जाता है। तो बस इसमें हनी डाला और 2 टेबल स्पून की इतना शुगर डाल दिया एंड साथ में 1 फुल ना जूसी होना चाहिए, अराउंड 2 टेबल स्पून कितना लेमन जूस होना चाहिए। तो ये भरपूर इसमें जूस आए, आप देख सकते कितने सारे जूस निकल रहे हैं। तो बस मैंने ये होल लेमन डाल दिया, नहीं तो 2 टेबल स्पून कितना जूस डालना अपने मुँह का। एंड देन बस इसमें हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और हाँ थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी पत्थर होते हैं, फ्रोजन होते हैं, तो इसे पेस्ट कर होने में टाइम लगता है। तो बस ये अच्छे से पेस्ट भी हो गए, आप देख सकते हैं। और ये मैं बड़े मज़े गए। तो बस जिसमें मैंने फ्रोज़न करके आम रखा था ना, उसी टिफिन में मैं फिर से डाल के अच्छे से सेट कर दी। और हाँ जब तक मैं इसमें सेट कर रही हूँ, आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और यकीन मैं बड़े मज़े के लग रहे थे, मैं बहुत ही यम्मी। तो बस इसमें अच्छे से फ्लैट करके टैप कर दी हूँ ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो ना हो। तो बस इसे मैंने ढक्कन से लगा के अब फ्रीजर में मैं फिर से 7 से 8 घंटा रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इतना सॉफ्ट, इतनी यम्मी, एकदम प्योर आइसक्रीम बना था कि पूछो मत। ना व्हिप क्रीम, ना मिल्क, ना कोई फ्लावर कॉर्नफ्लावर या कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं, वो एकदम मस्त। और आप अगर देखेंगे तो ये कितनी आसानी से रोल भी हो रहे हैं, ये देखिए एकदम जैसे दुकानों पे मिलते हैं ना आइसक्रीम पार्लर में, वैसे ही कि मैंने इतने मज़े के। तो बस इसमें प्लेटिंग कर दे रही हूँ और इतना लाजवाब था, हाय हाय। तो चलो बस इसे मैं फटाफट प्लेटिंग करती हूँ। और हाँ थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए मैं इसमें डालूँगी पुदीने की पत्ती। तो ये देखिए एक पुदीने की पत्ती मैं डाल दे रही हूँ। तो बस हो गया हमारी आइसक्रीम तैयार मैंगो की। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तब तक के लिए खाओ पियो मज़े करो। तो मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।